जी नमस्कार। आज 6 नवंबर 2018 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। कार्तिक मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है। रात 10:27 तक और उसके बाद अमावस्या। चित्रा नक्षत्र है शाम 7:55 तक और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:13 पर। आज भद्रा है सुबह 11:04 तक। नरक चतुर्दशी है, रूप चतुर्दशी है और आज मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं सुबह 8:22 पर। मेष राशि वालों के लिए आने वाला एक वर्ष रिश्तों के संदर्भ में कुछ ऐसा है जिसमें निरंतर उतार चढ़ाव बना रहेगा। अब से लेकर मार्च 2019 तक अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को दूर करना होगा ताकि आप रिश्तों की अच्छाई को भली भांति समझ सकें और घर परिवार का सुख पा सकें। अप्रैल 2019 से आगे आपके मन में बैठी हुई घबराहट भी दूर हो जाएगी जिसके चलते पारिवारिक रिश्तों को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। कोई प्यार का रिश्ता इस समय अपनी ही परेशानियों से जूझ रहा है। जनवरी 2019 से हालात तो सुधरेंगे लेकिन आप अपनी ओर से फासले बनाए रखेंगे। अप्रैल 2019 से जुलाई 2019 तक आप अपनी भावनाओं को लोगों पर जाहिर करने के लिए आगे बढ़ पाएंगे और किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। सेहत को लेकर आने वाला पूरा वर्ष आपको इस बात से आगाह कराएगा कि अपने खान पान पर भी ध्यान रखें और सेहत के प्रति निरंतर जागरूक बने रहें। वृषभ राशि वालों को पारिवारिक रिश्तों की खुशियां बनाए रखने के लिए आने वाले 3 महीने में अपने अंदर बहुत सारी विनम्रता लानी होगी और अपनों के प्रति समर्पित रहने की कोशिश करनी होगी। आपके विचार भी अच्छे हैं और लोगों के प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा है, पर आपकी शख्सियत ऐसी बन रही है जो आपको लोगों से जोड़े रखे। किसी प्यार के रिश्ते में बहुत सारी कठिनाइयां बने रहने का समय है। किसी दोस्ती को प्यार के रिश्ते में परिवर्तित करना चाहेंगे तो हालात आपकी मदद जरूर करेंगे, पर भावनाओं में बह जाना इस समय ठीक नहीं है क्योंकि प्यार के रिश्ते में बहुत सारी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। अप्रैल 2019 से आगे अपने खाने पीने की आदतों पर नजर रखनी होगी ताकि सेहत बनी रहे और कोई पेट से जुड़ी समस्या ना उभर कर आए। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष कई रूप से आपके लिए मददगार है, पर किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी कठिनाइयों के प्रति जागरूक रहना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों को लेकर मिला जुला समय। कई तरह की गलतफहमियां भी उत्पन्न हो सकती हैं और लगभग पूरा साल ऐसा है जिसमें पारिवारिक रिश्तों को संभाले रखने के लिए हर तरह के मतभेद से बचकर निकल जाना होगा। अब से लेकर मार्च 2019 तक अपने विचारों को बहुत ध्यानपूर्वक व्यक्त करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाएं। अप्रैल 2019 से आगे खुद पर भरोसा बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। किसी प्यार के रिश्ते में आने वाले 3-4 महीने में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, उसके बाद हालात संभलते चले जाएंगे। आने वाला वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें अपनों की सेहत को लेकर थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। खासकर अप्रैल और मई 2019 में अगर सेहत से जुड़ी कोई समस्या हो तो जांच या इलाज कराने की जरूरत पड़ेगी। नवंबर 2019 के बाद पारिवारिक रिश्तों का सुख और बेहतर होता चला जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कर्क राशि वालों को घर परिवार की खुशियां बनाए रखने के लिए जागरूक रहना होगा ताकि अपने मन में बिठाया हुआ असंतोष किसी भी रूप से आपको परेशान न करता चला जाए। अभी से लेकर मार्च 2019 तक इस भरोसे के साथ आगे बढ़े कि सब कुछ ठीक है और लोगों को भी उसी भरोसे की नजर से देख लें। रिश्तों से जुड़ा तनाव किसी न किसी तरह के मतभेद की वजह से है जिसे संभाले रखने की आदत डाल लें, पर किसी भी तरह की भावुकता से बचें। कोई प्यार का रिश्ता इस समय अपनी ही समस्याओं से जूझ रहा है। किसी प्यार के रिश्ते में कई तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ है, फिर भी हालात आपकी मदद ही करना चाह रहे हैं। जनवरी 2019 से आगे किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद मिलती चली जाएगी और अप्रैल 2019 से आगे आपके मन का असंतोष भी संभल जाएगा। इसलिए अपने अंदर उस तरह का धैर्य और विनम्रता लानी होगी जो इस समय की परेशानियों को हटा दे। सेहत को लेकर यह समय ऐसा है जिसमें कोई नई परेशानी नहीं है, फिर भी रोजमर्रा के रूप में अपना ध्यान रखने से फायदा जरूर होगा। अप्रैल 2019 से आगे सेहत को लेकर अगर किसी भी तरह का असमंजस है तो जांच या इलाज जरूर करा लें ताकि बात पूरी तरह से समझ में आए। अगस्त 2019 से आगे रिश्तों का सुख आपके लिए भरपूर बना रहे। सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां मददगार भी हैं और चुनौती भरी भी हैं क्योंकि आप ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आपको रिश्तों को प्राथमिकता तो देनी ही पड़ेगी। पारिवारिक रिश्तों से सुख पाने के लिए मार्च 2019 से जुलाई 2019 का समय अच्छा साबित होगा।
पर जनवरी 2019 से मार्च 2019 के बीच में अपने व्यवहार पर काम करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आप लोगों को खुश रख सकें। किसी प्यार के रिश्ते के प्रति अपनी लगन बनाए रखेंगे तो यथास्थिति बनी रहेगी। अब से लेकर मार्च 2019 तक अपनी इच्छाओं को थाम लें और अपने भटकते हुए विचारों को संभाल लें। अप्रैल 2019 से आगे चुनौतियां तो ऐसी ही रहेंगी, लेकिन किसी प्यार के रिश्तों को बढ़ावा देने का मौका मिल जाएगा। जनवरी से मार्च 2019 में अपनी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्तों का सुख इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनों को समझने के लिए कितना जागरूक हैं और आपके अंदर वो अच्छाई है कि आप विनम्रता से सोचें और सूझबूझ से फैसले करें। अप्रैल 2019 में कोई पारिवारिक रिश्ता आपको बहुत सारा सुख देगा, पर इस बात को इस संदर्भ में देखें कि आने वाला एक साल जो है उसमें रिश्तों को इस रूप से ढाल लें कि आप उनके प्रति जागरूक भी बने रहें और अपनी अच्छाई भी जाहिर करते रहें। अब से लेकर अप्रैल 2019 तक आपको कई तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। अप्रैल 2019 से आगे किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियां कम होती चली जाएंगी और तब आपको तस्वीर साफ नजर आएगी। आने वाले 3 महीने में सेहत को लेकर समय कुछ ऐसा है जिसमें अपना ख्याल रखने की जरूरत पड़ सकती है, पर अच्छाई यह है कि आप अपनी सेहत को लेकर जागरूक भी हैं और यही चीज जिंदगी में मदद भी करती है। तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक रिश्ते ठीक हैं और किसी भी तरह की कमी नहीं। दिसंबर 2019 में और आगे चलकर मई 2019 में घर परिवार में बहुत सारा तालमेल बनाए रखना होगा। मार्च 2019 तक अपने मन में जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है उसे भी संभाले रखना होगा। कोई प्यार का रिश्ता इसलिए ठीक बना रहेगा क्योंकि आप उसके प्रति प्रेरित रहें और इस वजह से सुख भी बना रहे, पर अप्रैल 2019 से आगे किसी प्यार के रिश्ते में बादल मंडरा सकते हैं, जिसे संभालने के लिए आपको अपने मन में बहुत सारा भरोसा बनाना होगा। सेहत को लेकर आने वाला वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें अपने खाने पीने में नजर रखनी होगी। खासकर जनवरी 2019 में सेहत के प्रति और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। मार्च 2019 में और मई 2019 में खुद की गलतियों से बचना होगा ताकि सेहत काबू में रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां ठीक हैं, पर हो सकता है कि कभी कभी आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को संभाल ना पाए और आपको गुस्सा आ जाए। आने वाले 2 महीने में और उसके बाद मार्च अप्रैल 2019 में खुद पर नियंत्रण रखना होगा। आप लोगों के प्रति मधुरता बनाए रखेंगे तो पारिवारिक स्थिति संभली रहेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कोई प्यार का रिश्ता आने वाले दिनों में आपके दिलो दिमाग पर छाया रहे। हो सकता है दिसंबर 2018 में आप किसी को पसंद करें और मार्च से जुलाई 2019 में आपकी प्राथमिकताएं बदलती चली जाएं और उस समय की सच्चाई को कबूल करने में ही फायदा होगा। सेहत को लेकर जागरूक बने रहने की जरूरत है। मार्च 2019 से जुलाई 2019 में सेहत का जरूर ख्याल रखें ताकि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। धनु राशि वालों को पारिवारिक रिश्तों की ओर ज्यादा ध्यान देने का समय चल रहा है, पर आने वाला वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें कुछ हद तक आपकी गलतियां भी नजर आ रही हैं। आपका व्यवहार और आपकी उत्तेजना कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप अपने कदम पीछे हटाते चले जाएं। फिर भी कुछ हद तक ये समय मददगार है कि आप लोगों से बात जरूर करें, पर ऐसा करने के लिए अपने मन में बहुत सारी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। अपनी लापरवाही से या तैश में आ जाने से आपसे ही गलती होगी। मार्च अप्रैल 2019 में कोई प्यार का रिश्ता आपको बहुत लुभाएगा, उस समय अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को थामे रखें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अपनी मानसिकता को सुधारने में अप्रैल 2019 से आपको मदद जरूर मिलेगी। मकर राशि वाले ही समझ लें कि पारिवारिक रिश्तों के प्रति आपकी जागरूकता बहुत बड़ा काम करेगी। किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव के बावजूद आप अपनों का ख्याल रख पाएंगे और निजी जीवन की खुशियां बनी रहेंगी। मार्च से जून 2019 में आपको रिश्तों के प्रति और ज्यादा जागरूक होना पड़ेगा ताकि आप अपनों की जरूरतें पूरा कर सकें, पर जुलाई से अक्टूबर 2019 में पारिवारिक सुख को बनाए रखने की और ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई प्यार का रिश्ता आपके लिए ठीक ठाक बना हुआ है और कोई कमी नहीं। अप्रैल और मई 2019 में किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा जो आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। सेहत को लेकर हालात संभले हुए हैं, पर रोजमर्रा की चुनौतियों को संभाले रखने की जरूरत पड़ सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां इसलिए मददगार हैं क्योंकि उसमें आपकी सूझबूझ लगी हुई है। आप अपनों से बात भी कर पा रहे हैं और उन्हें अपनी बात से संतुष्ट भी कर पा रहे हैं, यही अच्छाई आपकी सूझबूझ को और ज्यादा निखार रही है। जनवरी 2019 में घर परिवार से जुड़ा तनाव बढ़ सकता है या फासले बढ़ सकते हैं जिन्हें संभालना होगा, पर किसी को भी नाराज करने से बचना होगा।
अगस्त से अक्टूबर 2019 में काम की मसरूफियत के बावजूद आपको अपनों के लिए समय निकालना होगा। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आने वाला साल आपकी इच्छाओं को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, पर परेशानियां भी साथ ही साथ जुड़ी हुई हैं। शायद इस समय की चुनौती भी इस वजह से है कि आपका मन कुछ परेशान रह सकता है। अप्रैल 2019 से किसी प्यार के रिश्ते में अपने भटकते हुए विचारों को और ज्यादा थामने की जरूरत पड़ेगी। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक परिस्थितियां ठीक ठाक बनी हुई हैं और कोई कमी नहीं। फरवरी 2019 में छुटपुट विचारों का मतभेद हो सकता है, जिसे संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। आगे चलकर अगस्त 2019 में भी पारिवारिक खुशियों को बनाए रखने के लिए और ज्यादा जागरूक रहना पड़ेगा। इस दौरान आपकी अच्छाई हर तरह से बनी हुई है और आप अपनों का ख्याल रख पा रहे हैं। अब से लेकर मार्च 2019 तक किसी प्यार के रिश्ते में आपका असंतोष नजर आ रहा है। अप्रैल 2019 से आगे आपकी घबराहट तो दूर हो जाएगी, पर आपको अपनों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। रिश्तों से जुड़ी खुशियां बनाए रखने के लिए काम, पैसे और खर्चों से कहीं ज्यादा आपको अपनों के प्रति समर्पित बने रहने की जरूरत पड़ेगी। सेहत को लेकर हालात ठीक है, पर फरवरी 2019 में और आगे चलकर अगस्त 2019 में अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर आने वाला वर्ष आपके लिए हर तरह से मददगार है और आपके लिए सुख और समृद्धि की संभावनाएं दर्शा रहा है।